इस वीडियो में गाइस जो जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना बिल्कुल ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको मालूम है पबजी मोबाइल लाइट के अंदर एक दिन पहले 0 MB का अपडेट आया था, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। लेकिन पबजी मोबाइल लाइट के अंदर एक और नया अपडेट आने वाला है और वो बिग अपडेट हो सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। कैसे क्या चीजें रहने वाली है, कैसा अपडेट आने वाला है, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखते रहिएगा सारी चीजें जानने के लिए। और गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो का लाइक एम मैं रखता हूं 2000 लाइक का। सभी भाई लोग लाइक करेंगे तो इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग। और गाइस आपको एक चीज और बता दूं, पबजी मोबाइल लाइट के अंदर 1 से 2 दिन के अंदर नई अपग्रेड गन आने वाली है। उसको लेने के लिए अगर आपको बीसी परचेज करवाने की जरूरत पड़े ना, सबसे पहले इस व्हाट्सएप नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करिएगा और इजीली आप लोग वहां से बीसी परचेस करवा सकते हैं फुल ट्रिस्टी तरीके से और अपग्रेड गन की क्रेट ओपनिंग कर सकते हैं। और गाइस पिछली बार की तरह लेवल 6 वाला ग्लिच आ गया ना, तब तो भाई सभी लोग सबसे पहले फायदा उठाने आ जाना, नहीं तो भाई मिस हो जाओगे। जैसा कि आपको पता है पबजी मोबाइल लाइट के अंदर DBS की गन अभी है ही नहीं और पबजी BGMI के अंदर ये गन अवेलेबल है। लेकिन आप सोच रहे होगे इस गन से अपडेट का क्या लिंक है, तो गाइज इसी गन से अपडेट का बहुत बड़ा लिंक है, आप लोग खुद अभी समझ जाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा। तो पबजी मोबाइल लाइट के अंदर जो नेक्स्ट सीजन होने वाला है C1S3 होने वाला है, अभी फिलहाल में C1S2 चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा तो C1S3 आएगा। और C1S3 का जो टीयर रिवॉर्ड है ना उसके अंदर DBS की गन है, यानी DBS की गन स्किन है उसमें। तो पबजी मोबाइल लाइट वाले ऐसा कर नहीं सकते ना कि छोटा सा अपडेट देकर DBS की गन भी ऐड कर दे, फ्रेम भी ऐड कर दे, अवतार भी ऐड कर दे और बहुत सारी चीजें भी ऐड कर दे। पबजी मोबाइल लाइट वाले इन गेम अपडेट देकर पॉसिबल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए गाइस अब अपने बीटा वर्जन के अंदर अपडेट हमें सबसे पहले देखने को मिल सकता है और वो भी बड़ा अपडेट। जी हाँ गाइस, क्योंकि अभी के टाइम पे गेम के अंदर जो इवेंट्स है ना वो भी कुछ खास इवेंट्स आ नहीं रहे हैं पहले जैसे आया करते थे। तो पबजी मोबाइल लाइट वाले बड़ा अपडेट देंगे और उसमें अच्छा अच्छा इवेंट भी डालेंगे ताकि प्लेयर्स जो जा चुके हैं वो बैक करें। इसीलिए गाइस काफी ज्यादा हाई चांस यहाँ पर ये बन चुके हैं कि बीटा पबजी मोबाइल लाइट के अंदर हमें बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है और उसके बाद हमें ग्लोबल वर्जन के अंदर भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। पहले तो बीटा वर्जन के अंदर आएगा और उसके कुछ हफ्ते बाद या फिर कुछ दिन बाद ही ग्लोबल वर्जन के अंदर अपडेट आ जाएगा। अपडेट कब आएगा इसके बारे में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ही, तो वीडियो में आप लोग बस बने रहिएगा। क्यों इतनी जल्दबाजी में आप लोग रहते हैं, आराम से देखिए। फिलहाल में जैसा कि आपको मालूम है पबजी मोबाइल लाइट के अंदर अभी जो अपग्रेड गन चल रही थी वो चल रही थी M4 ग्लेशियर के साथ में ग्रोजा की अपग्रेड गन स्किन, 2 गन 1 क्रेट में आ रही थी। लेकिन अब जो अपग्रेड गन आने वाली है ना 1 से 2 दिन के अंदर, उसमें M4 ग्लेशियर के साथ में या तो लिजार्ड देखने को मिल सकती है या फिर UGI की स्किन या फिर ये मिनी 14 की, तीनों में से कोई एक गन स्किन आएगी और उसके साथ ग्लेशियर भी फिर से बैक करेगी। मतलब आपको एक बार और समझा देता हूँ, M416 ग्लेशियर तो आएगी ही क्रेट के अंदर, लेकिन ये जो 3 गन मैंने आपको बताया ना तीनों में से कोई एक गन साथ में आ जाएगा। आप किसको ज्यादा डिमांड करना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैं तो चाहूंगा भाई M416 लिजार्ड आ जाए ग्लेशियर के साथ में और वो भी ग्लिच के साथ में लेवल 6 वाला, भाई मजा ही आ जाएगा। खैर गाइस टेंशन ना लो आप, जैसे ही अपग्रेड गन आएगी ना उसके अंदर ग्लिच है कि नहीं है सबसे पहले तुम्हारा भाई आपको बता देगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखना, क्योंकि जैसे ही अपग्रेड गन आएगी ना क्रेट ओपनिंग की वीडियो आपको इसी चैनल पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। और अभी तक वीडियो को लाइक जिन भी भाई लोगों ने नहीं किया ना यार अब तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। अब हम लोग जान लेते हैं ना बीटा पबजी मोबाइल लाइट के अंदर जो अपडेट आने वाला है बड़ा वाला वो कब तक देखने को मिल सकता है और ग्लोबल वर्जन के अंदर अपडेट कब तक देखने को मिल सकता है। तो गाइज बीटा वर्जन के अंदर जो अपडेट है ना वो हमें देखने को मिल सकता है इसी नवंबर के एंड में या फिर दिसंबर के 1st वीक में। जी हाँ गाइस, और फाइनली ग्लोबल वर्जन के अंदर जो अपडेट है ना वो दिसंबर के मिड तक हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई सीजन भी तो आना है, उससे पहले तो अपडेट को आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपको अच्छा लगा होगा, इसीलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। फिर से बता दे रहा हूँ अपग्रेड गन आने वाली है 1 से 2 दिन के अंदर, उसके लिए आपको BC परचेज करवानी हो तो जो मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ ना वहां से ही आप लोग BC परचेज करवाइएगा, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और जगह आपको दिक्कत भी हो सकती है, मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दे रहा हूँ। फिलहाल में मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू दोस्तों, आप सभी लोग अपना ख्याल रखना।